हेलो एवरीवन, फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग के साथ बात करते हैं ट्रेडिंग की। आपको अगर स्टॉक मार्केट से अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी लेटेस्ट फाइनेंस की वीडियो मिस ना हो। चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज के डिस्कशन के लिए हमने जो यहाँ पे कल के इंट्राडे परफॉर्मेंस की हम लोग पहले बात करेंगे। पीएफसी पहला हमारा स्टॉक था। पीएफसी में हमने एंट्री लेवल आपको बताया था 133.90 130.40। आगे देखते हैं अपने स्टॉक्स की परफॉर्मेंस। यहाँ पे अगर आपको देखें 130.40 पे क्या हुआ था हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे 130.40 आराम से हम लोग यहाँ पे बाई लेवल देख सकते हो, आराम से इजीली मिल रहा है हमें 130.40 के ऊपर में। यहाँ से यहाँ तक स्टॉक हमें बाई जोन में था। फिर आगे देखेंगे टारगेट हमारा पास, टारगेट वन क्या था। टारगेट वन की बात करें तो 132.37 था। 132.37 क्या हमें मिला, इजीली मिल गया 132.47। तो यहाँ पे हमें टारगेट वन अचीव हो गया, पहला स्टॉक टारगेट वन अचीव्ड। ठीक है, बात करेंगे दूसरे स्टॉक्स की। यहाँ पे बात करें दूसरे स्टॉक्स की तो दूसरा स्टॉक्स हमारा था अब था यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड। 158 रुपीज का पहला हमारा टारगेट, बाइंग प्राइस हमारा था 156.90। क्या हमें मिला आइए देखते हैं। 156.90 यहाँ कहीं होता है स्टार्टिंग में ही। 156.90 पर अगर हम टारगेट लगाते हैं 162, आराम से इजिली वन स्टार्टिंग के कुछ मिनटों में हमें टारगेट वन ही नहीं बहुत बड़ा बड़ा टारगेट, दोनों टारगेट अचीव होते हुए दिख जाएंगे। टारगेट वन की अगर बात करें, फिर टारगेट टू की अगर बात करते हैं, यहाँ पे आप टारगेट टू देख सकते हो 159 158 वाला टारगेट यहाँ हमें अचीव हो गया। अगर हम छोड़ देते हो तो टारगेट कहीं ज्यादा हमें अचीव हो गया था, जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे बड़ा टारगेट हमें अचीव होकर मिल गया था कुछ ही मिनटों में। बात करें 165 तक का हमें टारगेट मिल चुका था, यानी एक्सेप्शनल यहाँ पे गेन हो चुका था लगभग 4% का, आप मान सकते हो, जो हम लोग 1% का टारगेट लेके चलते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक हमारा था टेक महिंद्रा। 1073 का हमारा पहला टारगेट था, 162 159 ये हमारे बाइंग प्राइस थे। आगे देखते हैं हमें क्या होता है यहाँ पे, क्या हमें मिलता है टेक महिंद्रा। स्टार्टिंग के कुछ मिनटों की बात की जाए 162 यहाँ कहीं, जी हाँ 162 कहीं यहाँ पे इस वाली कैंडल पे हमें बाइंग यहाँ पे रेंज में हमें बाइंग मिल जाता है। बात करें हमारे टारगेट की तो 1073 पहला हमारा टारगेट था, 1073 हमारा पहला टारगेट था। क्या हमें मिला 1073 यहाँ पे देखिए, इजीली क्लोजिंग भी होगा, अगर दिन भर में भी अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए होंगे यहाँ पे आपको मिला। बात करें सेकंड टारगेट तो 1079 था, राइट, यहाँ पे दूसरा टारगेट हमारा अचीव होते हुए दिख गया। तो आज मतलब ये ऐसा दमदार दिन हमें बहुत डेली देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई आज ही पहली बार वीडियो देख रहा है तो ऐसा डेली हमें देखने को नहीं मिलेगा, हमें वो कभी कभी देखने को मिलेगा, लेकिन जिस दिन मिलेगा बहुत धूम मच जाएगा। 5% एक स्टॉक में मिला 5% के आसपास, दूसरे स्टॉक में भी हमें लगभग 3% का मुनाफा देखने को मिला। तीसरे पहले स्टॉक्स की बात करें तो वहां पे 1% का मुनाफा देखने को मिला। देखिए तीनों टारगेट अचीव, राइट। अब बात करेंगे आज के स्टॉक्स की, अगर बात की जाए यहाँ पे आज के स्टॉक्स का देख लेते हैं, आज के बेहतरीन जो स्टॉक्स होने वाले। पहला है गोदरेज सीपी, बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा है, टारगेट वन नोट कर लीजिए 914.67 920। अपना पेट थोड़ा छोटा कीजिए। सेसेल वन की बात करें, स्टॉप लॉस वन 874, स्टॉप लॉस टू की बात करें 868। टाटा मोटर्स की अगर बात करें बहुत अच्छे लेवल पे आकर खड़ा है, 354 का पहला टारगेट, 357 का दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस 345 का, 340 का स्टॉप लॉस टू। अब मैं आपको कुछ समझाऊंगा इसके बाद लास्ट में, ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखा कीजिए, सिर्फ नाम नहीं। HCL टेक 1993 1000, ठीक है। बात करें अब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस की बात करें 978 968 972 968। अब बताते हैं यहाँ पे गोदरेज सीपी 900 प्लस के ऊपर पॉजिटिव ट्रेड, 880 के नीचे नेगेटिव ट्रेड। टाटा मोटर्स 350 के ऊपर पॉजिटिव ट्रेड, और ये 347 आप लेके चलो, 347 के नीचे नेगेटिव ट्रेड, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ हालांकि सपोर्ट कोई ऐसा ना हो, सपोर्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐसा ना हो 347 के आसपास कहीं सपोर्ट है, मैंने सपोर्ट अभी नहीं देखा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। बात करें यहाँ पर टाटा स्टील्स की 981 के ऊपर में आपको, टाटा स्टील्स नहीं है HCL टेक है, सॉरी, डेली यहाँ पे एक ना एक स्टॉक में नाम में एरर दे देता हूँ। HCL टेक की बात करें, यानी HCL टेक 981 के प्लस में आपको पॉजिटिव ट्रेड लेना है, हो सके तो क्वांटिटी आज थोड़ा कम रखिएगा क्योंकि आज थोड़ा सा मार्केट हो सकता है नेगेटिव हो। चलिए मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सब बखैर।